हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं मित्रों। तो सुबह या 4 बजे क्लासेस दी जाती है 10th क्लास के सोशल साइंस का, इसलिए देखना न भूलें मित्रों। अगर प्रतिदिन क्लास करते रहे तो आपके सारे क्वेश्चन दिमाग में सेट कर देंगे और जैसे एग्जाम बैठेंगे क्वेश्चन आएंगे तो आपकी बिल्कुल खिलौना रहेगा। तो चलिए हम अपनी सेशन को शुरुआत करते हैं। इसके लिए क्लास को आप शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को उठाइए, जगाइए, है ना। अरे क्या हम बताएं आप लोगों को, आप लोग तो ऐसा सोचते हैं कि सुबह 4 बजे ना उठ करके कहीं भी मैं देख लूँगा। ठीक है, आप देख लेंगे, लेकिन आप जो 4 बजे आपको मज़ा आया देखने में ना, और कभी मज़ा नहीं है, ठीक है ना। बाद में आप स्पीड करके भी देख लेंगे। 4 बजे आप आराम से एकदम लाइव क्लासेस चलते रहेगी, आप देखते रहेंगे, आप आराम से आंसर देते रहेंगे, है ना। शांति से आप पढ़ी हुई चीज़ें याद रहती है अच्छी तरह से, ठीक है ना। स्पीड वाला स्पीड जैसे नहीं याद रहती। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। आप समझिए वैश्वीकरण चैप्टर से संबंधित है। कहने का मतलब है क्या है, 6th चैप्टर से इकोनॉमिक्स का। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है बताइए। जो क्वेश्चन 6th चैप्टर से पूछी गई है उस क्वेश्चन को हम एकत्रित किए हैं। तो देखिए 2021 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सेटिंग में पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। नई आर्थिक नीति का अंग कौन नहीं है बताइए मित्रों, अगर पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं। NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नई आर्थिक नीति में कौन सम्मिलित नहीं है। तो नई आर्थिक नीति में सम्मिलित है LPG। NEP में सम्मिलित कौन है, LPG। L का मतलब लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, ठीक है। पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण, ठीक है। जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण। तो बताइए आप मित्रों कि इसमें से कौन जो ऐसा अंग नहीं है। तो निजीकरण है ये है, वैश्वीकरण है ये है, उदारीकरण है ये है, राष्ट्रीयकरण नहीं है। तो फिर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों। LPG की शुरुआत 1991 में हुई थी, जब वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे, और PV नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। जब मनमोहन सिंह को जैसे 1991 ईस्वी में बने थे, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे, इनको समझ आने लगे थे कि हमारे देश में वित्तीय संकट आने वाली है, ठीक है ना। और हमारे पास केवल 15 दिनों की सामान बची थी मित्रों, जो हम खरीद सकते हैं। तब इन्होंने अनुभव किया इस तरह से, तब उन्होंने दिमाग लगाया, फिर 1991 ईस्वी में LPG लाया, और क्या क्या बात हुई, है ना। बहुत थोड़ा को टाइम लग जाएगा ज़्यादा, है ना, ये सब विचार करने। और हमारा देश जो है 2014 ईस्वी में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया सामान खरीदने में, ठीक है ना। इस तरह से अभी जो है से अभी 2014 ईस्वी में जो मनमोहन सरकार ने जो दी थी प्रधानमंत्री को, वो दूसरा बड़े देश करके दी है। अभी फिलहाल 5वां बड़े देश हो गया, ठीक है ना। जिम्मेवारियाँ चाहे कोई साधारण चीज़ नहीं होती, अर्थशास्त्री जो व्यक्ति रहेगा वही चला सकता है अच्छी तरह से। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, कोका कोला है, इनमें से सभी बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको बोलते हैं मित्र। वैसी कंपनियाँ, वैसी संस्था जो विभिन्न देशों में स्थापित कंपनियों पर नियंत्रण किसी एक जगह से स्थित मुख्यालयों से नियंत्रण एवं समन्वय करती है, तो वो राष्ट्रीय कंपनी होती है। तो बताइए कौन है जो अलग अलग कंपनी है, जिसका कंपनी जो 2, 4, 5, 10 राष्ट्रों में चलती है, दूसरे राष्ट्रों में चलती है। वो राष्ट्रीय कंपनियाँ कौन है जो अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी कंपनियाँ स्थापित किए हुए, वही बहुराष्ट्रीय ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्ड मोटर्स दिखाई दे रहा है, कहाँ का कंपनी है मित्रों, ये अमेरिका की कंपनी है। ये कहाँ के है, फोर्ड मोटर्स जो है अमेरिका की कंपनी है, समझ में आई बात। ये कहाँ की कंपनी है मित्रों, ये अमेरिका की कंपनी है। फोर्ड मोटर्स जो है अमेरिका की कंपनी है, ये कहाँ के है, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। सैमसंग कहाँ है कंपनी है मित्रों, दक्षिणी कोरिया का है। कहाँ का है, दक्षिणी
कोरिया कंपनी, और कोका कोला का है कंपनी, ये भी अमेरिकी कंपनी। कहने का मतलब सब जो है सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोई हमारे देश की कंपनी नहीं है। डी हो जाएगा इनमें से सब। कौन ऐसा कंपनी है जो अपने देश के अलावा दूसरा देश का कंपनी है? ठीक है, अपना देश वाला तो बहुराष्ट्रीय नहीं है, लेकिन अगर दूसरे देश के हमारे यहाँ अगर कंपनी है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, दूसरा का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारे देश की भी कंपनियाँ अगर दूसरे विदेशों में स्थापित कर ले रहेगी तो वो बहुराष्ट्रीय होगी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है बताइए? तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दे। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? क्या आयात पर नियंत्रण करना होता है, या निर्यात पर नियंत्रण करना होता है, या विश्व अर्थव्यवस्था समन्वय होता है? इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है मित्र? वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय मतलब तीसरा का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना। विश्व अर्थव्यवस्था एक हो गई मित्रों, वैश्वीकरण होने से, ग्लोबलाइजेशन होने से पूरा विश्व जो है से एक जैसा। आप कहीं भी सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, विश्व बाजार हो गया ना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आप जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड, आप लोग तब तक आंसर देते रहे कमेंट बॉक्स में, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं मित्रों शॉर्ट में WTO। ठीक, और WTO का जो हुआ था स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी WTO का स्थापना, जिसका मुख्यालय है जिनेवा में है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, जिनेवा में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिस बार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों, क्या है पांचवा क्वेश्चन? विश्व के मुख्य अंग कितने हैं? तो विश्व के जो मुख्य अंग है मित्रों, एक है या दो है या तीन है या पाँच है? तो नई आर्थिक नीति में किस, हाँ अच्छा, पांचवा क्वेश्चन का जवाब देना, बताइए जल्दी विश्व के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों पांच हो जाएगा। ठीक है ना, पांच को है विश्व जो वैश्वीकरण के मुख्य अंग है। ठीक है, पांचवा छठा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों। आप लोग पढ़े होंगे पाँच अंगों में, जैसे पूंजी का निर्बाध प्रवाह है ना, और श्रम का निर्बाध प्रवाह, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह है ना, व्यापार बिजनेस क्या क्या है ना, पांच को है टोटल। वैश्वीकरण के मुख्य अंग पांच थे। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति में किस सम्मिलित किया गया? मैंने बताया ना भाई जी, नई आर्थिक नीति मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मैंने NEP ने क्या लाया? LPG को लाया। LPG एल मतलब लिबरलाइजेशन, मतलब क्या होगा? उदारीकरण। पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण। जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण। इनमें से सभी जो है ऐसे नई आर्थिक नीति में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे मित्रों, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? क्या हुंडई, टोयोटा, फोर्ड या फिर टाटा? आप इसको तुरंत पहचान लिए होंगे कौन विदेशी ब्रांड नहीं। बताइए निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? देखिए हुंडई जो है से कहाँ की कंपनी है मित्रों? यह तो दक्षिण कोरिया के ठहरी। ठीक है, हुंडई कंपनी जो है से दक्षिण कोरिया के। अगर आपसे कहेगा कि होंडा कहाँ की कंपनी है, तो होंडा है जापान की कंपनी, लेकिन हुंडई कहाँ के है? दक्षिण कोरिया का। टियोटो कहाँ की कंपनी है मित्रों? टियोटो तो जापान की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? जापान की। फोर्ड कहाँ की कंपनी है मित्रों? USA के, यूनाइटेड स्टेट अमेरिकी कंपनी है।
और उसके बाद फिर टाटा कहाँ के, तो भारत के है, जमशेदजी टाटा वाला, जो 1907 में स्थापना हुआ था टाटा। तो टाटा कंपनी जो ऐसे कहाँ की है, भारत की, तो इसलिए यह विदेशी नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई जी, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। अभी मैंने जस्ट बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे मित्रों, 10वां नंबर क्वेश्चन का, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी, फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, या फिर कोका कोला है, या इनमें से सभी, बताइए बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है। तो फोर्ड मोटर्स भी बहुराष्ट्रीय है, कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय है, सब अमेरिकी कंपनी, सैमसंग भी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है भाई, दक्षिण कोरिया का सैमसंग भी। इस तरह से मित्रों डी जो तीनों हुआ से क्या हुआ, यह बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 11वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, क्या विश्व बैंक है, क्या ISA बैंक है, या UNO है। तो इसका सही जवाब होगा मित्रों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने के लिए WTO है। ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने इस वीडियो में करवाया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस चैप्टर संबंधित जो है जो क्वेश्चन पूछा गया वह लेकर के आए हैं, फिर लेकर के आएंगे। ठीक है ना, जैसे ही चैप्टर इस तरह से ख़त्म हो जाएगी तो लेकर के आएंगे हम, फिर जो पूछा गया वो भी क्वेश्चन रहेगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहेगा जो आने वाले एग्जाम में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग दोस्तों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, मुझे बहुत शर्म की बात है। ठीक है, आप लोग सुबह क्लास में जगिएगा, उठिएगा, है ना, तभी तो हम लोग पढ़ा पाएंगे।